चालू कर लिया। मीडिया वाले हैं हमारे पूरे कार्यक्रम में, कहीं भी बीच में कोई नारेबाजी नहीं होगा। ये हमारा फ्लैग होस्टिंग का जो सेरेमनी है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में जब दो नारे लगते हैं वो अपने यहाँ से बोले जाएंगे, वही नारे लगेंगे अभी फिलहाल, बाद में आप कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां वलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम। वंदे Thank you।
मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन उनकी कुर्बानी को हम नमन करते हैं और उनको उनके शरण में जाते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू जैसे हमारे महान पूर्वजों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। इन्हीं लोगों ने भारत की मजबूत नींव रखने में सशक्त भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत विश्व में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। हमारे आजादी के महान नायकों ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने और भारत की जनता ने अपने योगदान से इस सपने को साकार किया है। आज कल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाकरा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटोमेटिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। कला, साहित्य, संगीत को भी सरकार नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। जब भारत में अनाज की कमी थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति को लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति के भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व में भारत के दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और बांग्लादेश की आजादी उन्होंने दिलाई। राजीव गांधी जी ने भारत को टेक्निकल आईटी और कंप्यूटर रेवोल्यूशन देकर भारत के युवाओं के भविष्य में नया उजाला दिया। नॉर्थ ईस्ट में आसाम अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, सिलोंग अकॉर्ड और पंजाब का अकॉर्ड साइन हुआ, जिससे देश के कई भागों में शांति स्थापित हुई। पीवी नरसिंह राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण कर देश को दुनिया के साथ जोड़ा और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग
इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। लोकतंत्र और संविधान हमारी देश की आत्मा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसी दृढ़ संकल्प से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई देता हूं और यही इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successors and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never Congress had the best Congress Sehgal ke sabhi samsevak paanch Raisina road par pahunche. And India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step and opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity
and accept the challenge of the future. Bring them in power, bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow.